सारी कहानियां सच्ची हैं, एक एक प्रतिशत सच्ची है, पर मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। जिनकी कहानी है उनका नाम नहीं लूंगा, उनकी प्राइवेसी का मामला है, पर हाँ सच्ची कहानियां हैं। अच्छी बात है कि इन कहानियों के किरदार हम लोग नहीं बने, ईश्वर करे हम कभी ना बने, लेकिन कहानियां सच्ची हैं। जब मैं दिल्ली आया था 1990 में, मैं हरियाणा के एक शहर से, भिवानी से दिल्ली आया था पढ़ने के लिए। मेरे ड्रीम कॉलेज में हंसराज भी था, पर मेरा संयुक्त से मेरा एडमिशन जाकिर हुसैन में हुआ। मेरे अंक ठीक थे, यहाँ हो सकता था, पर मैं तो नई दिल्ली स्टेशन पे उतरा, बाहर निकला, पता लगा वही एक कॉलेज है, वही एडमिशन ले लिया मैंने। तो लोगों ने कहा कि यार कैंपस बड़ा अच्छा होता है। मैंने यार क्या फर्क पड़ता है, कॉलेज को नहीं जाता है, छंडो, यही छंडो में सिखाने आया हूँ आप लोगों को, ठीक है, स्टेशन से निकले वही कॉलेज है, मैंने घर जाना होगा तो आराम से कॉलेज से निकल जाएंगे, क्या रश है कैंपस में। पर मेरा एक दोस्त जो मेरे साथ ही आया था उसी शहर से, उसने एडमिशन हंसराज कॉलेज में लिया। मैं और वो स्कूल के डिबेटर्स थे, डिबेटिंग में हम लोग स्कूल टाइम से काफी एक्टिव थे, डीयू में आए तो यहाँ भी एक्टिव रहे। डीयू में मैंने करीब 5 साल डिबेटिंग की, और मेरा ख्याल है कि लगभग मतलब 300-400 डिबेट्स मैंने जीती होंगी डीयू में, कुछ हारी भी होंगी, लेकिन मैंने खूब डिबेट, वो मेरा दरअसल दाना पानी था, रोजी रोटी मेरी वही थी कॉलेज के दिनों में। घर से पैसे मैं लेता नहीं था, मिलते भी नहीं थे, देना क्या था, मतलब ऐसी स्थिति भी नहीं थी उस समय मेरे घर में कि मिल सके। तो डिबेटिंग मेरा रोजगार था, एम्प्लॉयमेंट था मेरा, उससे काम चल जाता था आराम से, उसका भी चल जाता था, वो हंसराज से था, मैं जाकिर हुसैन से था, हम खूब डिबेट्स में मिलते थे, अक्सर ट्रॉफी या तो हम जीतते थे या वो जीतता था, कोई भी जीते रूम पे ही आती थी क्योंकि हम रूममेट्स थे, एक साथ ही रहते थे। वो मुझसे योग्यताओं के मामले में 21 था, बल्कि अगर वो 21 था तो मैं 15 ही रहूंगा या 12 रहूंगा, 22 या 21 तो नहीं रहूंगा, मुझसे बेहतर था योग्यताओं में, बड़ा अच्छा व्यक्ति था। ग्रेजुएशन के बाद मैंने MA हिंदी साहित्य में एडमिशन लिया, जबकि BA ऑनर्स हिस्ट्री में किया था मैंने। उसने तय किया कि वो कुछ और करेगा, प्रोफेशनल कोर्स करेगा, नौकरी करेगा, तो वो चला गया दिल्ली से, मैं दिल्ली में रहा। फिर मैं MA के बाद तैयारी करने लगा UPSC की, तब तक मैं UGC JRF कर चुका था। पहला अटेम्प्ट दिया, प्रीलिम्स हो गया, मेंस मेरा 96 के मेंस की बात कर रहा हूँ, मेंस शुरू होने वाला था, 2 दिन रह गए थे, करीब 10 दिन पहले वो मेरे पास आया हुआ था दिल्ली में, मिलजुल के अच्छे से बात कर गया था। उन दिनों उसका एक प्रेम संबंध कहीं हमारे ही एक मित्र के साथ चल रहा था, हम सब दोस्त थे तो उनमें से 2 लोगों का आपस में अफेयर था। मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन मेरे मेन एग्जाम से 2 दिन पहले रात को 12 बजे एक फोन आया और ये बताया गया कि मेरे दोस्त ने फंदा लगा के अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है, वो दिल्ली से दूर था कहीं। और जिस व्यक्ति के बारे में मेरी राय ये थी कि उतना जीवट वाला व्यक्ति कोई हो नहीं सकता, जो जिंदगी से हार सकता ही नहीं, जिसके होने से कई लोग हमेशा जीता हुआ महसूस करते हैं, वो चुपचाप एक बंद कमरे में जिंदगी से हार गया। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि ऐसा कैसे हुआ। बाद में टटोला, उसके पेरेंट्स से बात हुई, भाई से बात हुई, उन्होंने उसकी याद में एक सोशल वर्क शुरू किया ताकि किसी और बच्चे को ऐसा ना करना पड़े। तो जो हल्का हल्का अनुमान हुआ वो ये कि शायद कुछ ऐसा था रिलेशनशिप में जो नहीं संभल पाया था, और रिश्ता टूट ना जाए इसका दबाव बहुत ज्यादा था और वो दबाव झेल नहीं पाया। इस उम्र में ऐसा ऐसा फेज आता है, कई बार आता है। ये एक कहानी है।